हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इतना ज्यादा बड़ा है कि हम कभी इसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। इस इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी यानी धरती एक छोटे से कण से भी छोटी है। इतने विशाल ब्रह्मांड में कहीं पर बहुत ज्यादा रोशनी है तो कहीं पर बहुत अंधेरा है, कहीं पर करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक का तापमान है तो कहीं पर बहुत ठंड भी है। इतनी ज्यादा ठंड कि इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये ठंड इतनी ज्यादा है जो कि बर्फ से भी कई गुना ज्यादा ठंडी है। और इतने बड़े और विशाल ब्रह्मांड में हमारे सूर्य से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली ग्रह या तारे मौजूद हैं। और इस ब्रह्मांड में बर्फ से भी बहुत ठंडे ग्रह भी मौजूद हैं। और ब्रह्मांड में बहुत सी जगह पर जीवन संभव है। कुछ ऐसी जगह है जिनके ऊपर जीवन जीने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो जगह इतनी खतरनाक है जिसके ऊपर जाने से कुछ दूरी पहले ही हमारी मौत हो जाएगी। और अगर उस जगह के ऊपर हम कभी जा भी नहीं सकते। जब ब्रह्मांड की बात की जाए तब हमें ये जरूर जान लेना चाहिए, ब्रह्मांड दो तरह के होते हैं, एक जो दृश्य ब्रह्मांड है और दूसरा अदृश्य ब्रह्मांड। ये वो ब्रह्मांड है जिसे हम देख सकते हैं और जिसका सर्जन बिग बंग के प्राथमिक रो मटेरियल से हुआ है, जैसे ग्रह, तारे, उल्काएं, गैलेक्सी, निहारिकाएं, काला पदार्थ, प्रकाश, गति, समय, गुरुत्वाकर्षण आदि। अदृश्य ब्रह्मांड उस जगह को कहा जाता है जो कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर की जगह होती है और हमें वो कभी दिखाई नहीं देती, उस जगह को अदृश्य ब्रह्मांड कहा जाता है। हमारी तरफ से ब्रह्मांड की सीमाओं के बाहर के अज्ञात अदृश्य ब्रह्मांड में क्या है वो किसी को मालूम नहीं। अदृश्य ब्रह्मांड के इतने बड़े विस्तार को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है और प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड की दूरी को मापने वाली चीज है। जिस तरह हम पृथ्वी की दूरी को किलोमीटर या मील में मापते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। और एक साल में जितनी दूरी प्रकाश वर्ष तय करता है उसको एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक सेकंड में लगभग 3,00,000 किलोमीटर की दूरी काटता है। इस हिसाब से एक साल में 9,500 अरब किलोमीटर की दूरी काट लेता है और इस 9,500 अरब किलोमीटर को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। बिग बैंग से जन्मे हमारे ब्रह्मांड का विस्तार 93 अरब वर्ष की दूरी में है। अब आप ये बात जरूर सोच रहे होंगे कि जब हमारा दृश्य ब्रह्मांड 13.5 अरब वर्ष पुराना है तो इसका विस्तार इतना ज्यादा क्यों है, इसका विस्तार 99 अरब प्रकाश वर्ष कैसे हो सकता है। लेकिन अगर हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए हम इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन हमारा दृश्य ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष के विस्तार में फैला है। उसके आगे जो अदृश्य ब्रह्मांड है उसमें क्या है वो आज तक किसी को नहीं पता चल पाया और उसके बारे में आज तक हमें किसी भी तरह की जानकारी भी नहीं मिल पाई। तो आज हम आपको इस वीडियो में सिर्फ यहाँ पर अपने दृश्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानकारी देंगे। अदृश्य ब्रह्मांड के बारे में बाद में अगली वीडियो में आपको पूरी जानकारी जरूर दी जाएगी। 1927 में जॉर्ज लमीटर ने बेल्जियम में प्रकाशित एक कागज का खुलासा किया जिसने विस्तारित ब्रह्मांड के मामले में सामान्य रिलेटिविटी के समीकरणों का एक समाधान प्रदान किया। उसके ज्ञान के बिना पहले ही 1922 में रूसी अलेक्जेंडर फ्रिडमैन ने अपने ज्ञान बिना यौगिक के किया था। लेकिन फ्रिडमैन मुख्य रूप से एक आदर्श श्रेणी के गणित में दिलचस्पी रखते थे, व्यापकताएं बढ़ाने और अनुबंध करने सहित, और संभावना को आगे नहीं बढ़ाया था कि इनमें से भौतिक ब्रह्मांड का वास्तव में वर्णन हो सकता है। इसके विपरीत लेमेटर ने ब्रह्मांड विज्ञान की समस्या को पूरी तरह से शारीरिक रूप से देखा और ये महसूस किया कि उनके समाधान में आकाश गंगाओं के वास्तविक ब्रह्मांड के विस्तार की भविष्यवाणी की है। इसका सुझाव देना शुरू हो गया था। जॉर्ज लेमेटर ने फ्रेडमैन लेमेटर रॉबर्टसन वाकल नाम का समीकरण बनाया जो एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पर आधारित था। इनके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक प्राथमिक परमाणु से हुई और एक महाविस्फोट के साथ ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और ब्रह्मांड के एक पदार्थ एक दूसरे से दूर जाने लगे तो शुरुआती दिनों में लेमेट्रे की थ्योरी का मजाक उड़ाया गया। लेमेट्रे की इस थ्योरी का सबसे ज्यादा खंडन करने वाले वैज्ञानिक फ्रेड होयले थे। होयले की थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड के पिंड एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे बल्कि उनके बीच में नए पदार्थ स्थापित हो रहे हैं जिसे काला पदार्थ कहते हैं।
उन्होंने फ्रेड होयले मॉडल थ्योरी को प्रकट किया और लेमेटर की थ्योरी को बिग बैंग आइडिया कहकर उसका मजाक उड़ाया और बहुत समय तक दुनिया के वैज्ञानिक इन दो सिद्धांतों के बीच बटे रहे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वैज्ञानिक प्रयोगों से ये बात साबित होने लगी कि लेमेटर की बिग बैंग थ्योरी ही सच है, जो पहले उनकी बातों का खंडन कर रहे थे बाद में उनको भी यही बात आसानी से समझ में आ गई। सन 1965 में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज ने लेमेटर की बिग बैंग थ्योरी को सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत का दर्जा दिलवाया। आज लेमेटर की बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत माना जाता है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आज से लगभग 13.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड के सभी अणु परमाणु एक दूसरे के पास थे, इतने पास कि सभी एक जगह पर थे। जो सारा दृश्य ब्रह्मांड हम देख रहे हैं वो एक छोटे से बिंदु में था और उस वक्त जो बिंदु बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आज से लगभग 13.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड के सभी अणु परमाणु एक दूसरे के पास थे कि सभी इतने पास कि सभी एक ही जगह पर थे। मान लो कि सारा दृश्य ब्रह्मांड जो हम आज देख रहे हैं वो एक छोटे से बिंदु में स्थित था और उस वक्त वो बिंदु अपार घनत्व वाला और बहुत ज्यादा गर्म रहा होगा। यहाँ पर फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं करता। इस अवस्था में अंतरिक्ष और टाइम का भी कोई अस्तित्व नहीं था। उस परिस्थिति में किसी अज्ञात कारण से अचानक एक विस्फोट हुआ जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हो गया। ब्रह्मांड के सारे पदार्थ एक दूसरे से दूर जाने लगे। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। उस परिस्थिति में किसी कारण से अचानक एक विस्फोट हुआ जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड का बनना शुरू हो गया। ब्रह्मांड के सारे पदार्थ एक दूसरे से दूर जाने लगे। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब इतना शक्तिशाली विस्फोट हुआ तो उस समय ब्रह्मांड में कितनी गर्मी होगी या उसका तापमान कितना रहा होगा। तो उस समय ब्रह्मांड का तापमान 141-671 सब तक रहा होगा, जिसका हिसाब लगाना भी लगभग नामुमकिन है। और इस इतने शक्तिशाली विस्फोट के बाद एक माइक्रोसेकंड से भी कम समय को ब्लैंक टाइम कहा जाता है। इतने कम समय में ब्रह्मांड का तापमान बहुत जल्दी नीचे गिर गया और एक माइक्रोसेकंड होते होते तो ब्रह्मांड 10,000 अरब तक हो गया। जब ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ तो उस समय सब कुछ अंधेरे में था। उस समय किसी भी तरह की रोशनी नहीं थी। लेकिन आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि जब इतना बड़ा विस्फोट हुआ तो रोशनी क्यों नहीं थी। क्योंकि ब्रह्मांड प्लाज्मा अवस्था में था और ब्रह्मांड कोई अणु नहीं था, इसलिए इसकी रोशनी नहीं थी। और इसी तरह से ये अंधेरा ब्रह्मांड में 3.8 लाख सालों तक चलता रहा और इस अंधेरे में ही ब्रह्मांड में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने लगे और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाने से ब्रह्मांड में सबसे पहला अणु उत्पन्न हुआ जो हाइड्रोजन था। और हाइड्रोजन का ब्रह्मांड के निर्माण में बहुत ज्यादा महत्व है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम के अणु बनना शुरू हुए और फिर ब्रह्मांड को अपना सबसे पहला तारा यानी सूरज मिला। और इसी तरह धीरे धीरे ब्रह्मांड में और भी तारे बनने लगे और इस तरीके से ब्रह्मांड में पहली बार रोशनी हुई और इस तरह से अंधेरा खत्म हो गया और बिग बैंग के लगभग 4 लाख साल बाद ब्रह्मांड में रोशनी पैदा हुई। और इस तरह से धीरे धीरे बाद में बिग बैंग से निकले कॉस्मिक मैटर से ब्रह्मांड और दूसरे धूमकेतु उल्का ग्रह और आकाशीय पिंड बनने शुरू हो गए। लगभग 8 अरब सालों तक ब्रह्मांड में इन अणु का बनना और खत्म होना चलता रहा। और इस तरह से एक ही घटना में लगभग आज 4.5 अरब वर्ष पहले हमारे सूर्य और सौरमंडल का निर्माण हुआ जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। सूर्य के साथ ही 4.5 अरब साल पहले धरती भी बन चुकी थी और जब पहली बार धरती बनी तो आज के समय जैसे बिल्कुल नहीं थी। एक बहुत गर्म आग का गोला थी और उस समय में अगर इसको देखा जाए तो यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि इस पर भी कभी जीवन संभव हो पाएगा। और वो अपनी ही दूरी पर बहुत तेजी से घूमती थी और उस समय में दिन सिर्फ 8 घंटे का हुआ करता था और धरती पर पानी तो देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन धरती पर हवा में भाप मौजूद था और H2O जैसे कई सारे तत्व मौजूद थे जिस तरह से ब्रह्मांड बना। और इसी तरह से धरती के तापमान में भी धीरे धीरे गिरावट आई और धरती पर भाप के जो कण मौजूद थे उनकी वजह से धीरे धीरे धरती पर बारिश होने लगी और ये लगातार लाखों सालों तक होती रही। इस बारिश के कारण धरती पर नदी जलाशय और समुद्र बनने लगे और इसके बाद धीरे धीरे लगभग 3.5 अरब साल पहले पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन के मिलने से जीवन पनपना शुरू हुआ और धरती पर अपने एक कोशिकीय जीव बनी जो पैरामीशियम और अमीबा थे। और इन छोटे जीवाणुओं के कारण धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीवाणु बनने लगे और धीरे धीरे पृथ्वी पर जीव जंतुओं की भरमार हो गई और धरती पर जीवन बनना शुरू हो गया। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी क्योंकि हमने आपको बहुत अच्छी और फायदेमंद जानकारी जो दी है और उससे एक एक चीज के बारे में हमने आपको बताया है।
तो हमारे द्वारा बताई गई ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इसके बारे में कोई सवाल करना हो या कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।